हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, हमारी बलिया। अली भाई, ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड अच्छा फील किसको नहीं होगा यार, शो की टीआरपी है, सबको अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि अब इतने महंगे आर्टिस्ट लिए तो फिर तो अपनी टीआरपी बहुत बड़ा, शो की टीआरपी की बात कर रहे हैं, अपनी टीआरपी मतलब खर्चा किया है तो अगर अच्छी टीआरपी आए तो प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है, चैनल के लिए भी अच्छा है और हम लोगों के लिए तो है ही अच्छा है। एंड अच्छा लगता है जब शो इतनी अच्छी टीआरपी और नंबर वन पे पहले वीक में आ जाए, बहुत खुशी होती है एंड आई होप कि ऐसा ही रहे तो वो खुशी बरकरार रहेगी। अरे पूरा भरा पड़ा है, खाली ये नहीं, यहाँ पे क्रैक पड़ा हुआ है, बॉडी क्रैक हो गई है, पूरा सब बड़ा भरा है। वो कहते हैं जहाँ जैसे हमारे घर में कहीं बॉडी कह रहा हूँ, कहीं बिल्डिंग में कहीं कोई क्रैक होता है, वहाँ एम सील लगा देते हैं, ये एम सील लगी हुई है, काफ़ी चोटें लग रही हैं एंड आदत नहीं है डांस करने की, मुझे पता चोटे लगने के बाद अगर शो में अच्छी टीआरपी आए तो अच्छी बात है। हाँ, टीआरपी आनी चाहिए तो हम तो दर्द नहीं होता, देखो देखो दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल मर्द को दर्द कभी नहीं होता, जितना मर्जी दोबारा। हम दोनों एक्स है ना, हम क्यों बढ़िया सी, एक अच्छी चीज भी है एक्स होने का फायदा, कहीं भी जा सकते हो, स्ट्रेस भी नहीं, हम दोनों साथ में हैं, हम अभी प्लानिंग कर ही रहे थे, हमें सोचा यार हमारा कोई फायदा क्या है, एक्स तो अपनी कोई आई नहीं, मेरी तो आई नहीं है, उनकी अपने उधर है तो एक्स ही है ना, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सोच रहे हैं आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो साथ में चलते हैं, साथ में देखते हैं। नजदीकियों के लिए फ्यूचर सोच रहे हैं अभी कहाँ पहुँचेंगे, बट नोक झोंक अभी शुरू नहीं हुई, जब थोड़ा सा गला टाइट होगा अभी 15 दिन में एक परफॉर्मेंस है, 7 दिन में जब होगी, जब सांस नहीं आएगा तो लोग कहेंगे भाई मेरे को सांस दो, तब शायद फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ निकल ही रहा, अभी लोग बहुत कंट्रोल करके बैठे, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरी हालत अभी बट अच्छा चल रही है, लेकिन मजा आ रहा है, नो पेन नो गेन। हां जी, वो आया हुआ है ना, उससे पूछ लो ना, भाई है देखिए, वो जो करने जा रहे हैं आगे, आई थिंक उनका डिसीजन उन्हें लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, एंड जब मैंने लिया था तो मैंने भी सोच समझ के लिया था, तो अच्छा है, उनके बिना वो शो बहुत अधूरा है। मुझे ही लगता कि करण, दिव्यंका, रूही, जो कुछ करेक्टर है शो के, मतलब हम जो थे सब, तो हमारे एक एक जब जाता है तो बहुत शो टूटता जाता है, तो आई थिंक करण भाई के बिना वो शो बहुत अधूरा सा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ऑडियंस को भी लगेगा, आई डोंट थिंक सो करण पटेल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसको कोई रिप्लेस नहीं, करण पटेल को कोई, करण पटेल को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, रमन भल्ला को भी कोई रिप्लेस नहीं करता, जैसे आप देखते हो रोमी को भी अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, 1.5-2 साल हो गया है तो रमन भल्ला को भी कोई रिप्लेस नहीं, बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर कोई रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, अगर शो बंद करना होगा तो करवा दें रिप्लेस, और क्या हो सकता है, मैं यही बोलूँ क्योंकि करण पटेल, दिव्यंका त्रिपाठी, ये सब बुनियाद है शो की, तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई चेंज कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। यार ऑडियंस सब कुछ है, माई बाप है और हम मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं शो में, भाई जीतेंगे, चोटे लग रही है, प्रिंस भाई जीतेंगे, ये ऐसे बंदे हर एक रियलिटी शो जीतने वाले बंदे, ये हमारे थ्रेट हैं और ये हमारी थ्रेट है, पता नहीं कैसे ये सब रियलिटी शो जीत रही है, तो ये जैसे ही मैंने प्रिंस को देखा मैं घबरा, मैं बोला मुझे क्यों बुलाया, टैलेंट है, ये हमें नहीं है एक्चुअली, पता क्या है, हम कभी ये मेरा खर्चा उठाता है, कभी मैं, हमने ये बात बोलने के लिए रखा हुआ है, और थोड़ी देर पहले मैं ये बात आ गया था, अली अली अली, ताकि सब पीछे जितने लोग हैं कोई चीखना चाहिए कि हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस के लिए, मतलब इतना चीखेंगे कि नंबर ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर हमारी गंदी परफॉर्मेंस भी होगी ना तो हमारी चीखें अच्छी लगेगी, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट, ये हमारा प्लान है, ये हमारा खुफिया सीक्रेट प्लान है, हम सबसे पहले जो PS लिखते हैं ना इन्विटेशन के नीचे, वो ये प्लान ये है कि हम अलग से कुछ करेंगे ऐसा जो लोगों को पता नहीं लगेगा, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू, बट मस्त है यार, सब लोग मस्त कर रहे हैं।
Yeah, Tabby. Chances of all I got. Hi. यार वो चक्कर क्या है कि एक ज़माने में मेरे पास हक था कि मैं बोल सकता था जल्दी तैयार हो जाओ, अब वो हक है नहीं, तो अभी वो तैयार हो रही हैं, आराम से आ रही हैं, तो मैं पहले आ गया. जैसे कि हमेशा कहते हैं कि men are easy to get ready and just leave on time, but आई थिंक रिहर्सल्स पे जब वो आएंगी, जब आप उनसे सवाल करेंगे ना, मुझे पक्का डेफिनेटली बताएं कि वो ये कहेंगी कि रिहर्सल्स पे ये हमेशा लेट होता है, तो आज वो लेट है. तो आई एक्सपेक्टेड लास्ट टाइम लास्ट पार्टी में आई थिंक शी वॉज बिफोर टाइम और मैं लेट आया था, तो इस बार जस्ट फॉर अ चेंज कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रही है, आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग. कुछ चीज़ें जो मैं शायद पहले मैं हमेशा से लेट आता आया हूँ, तो कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं, शायद आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, सो मे बी दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव विल बी दैट. सी मेरे लिए द मेजर थिंग इज दैट बींग समबडी, इसके लिए पहली परफॉर्मेंस थी जो ऑन स्टेज थी एज अ नॉन डांसर. मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया ही नहीं ऐसा कुछ, और कोई मुझे जज करे कि मैं नंबर्स दे मुझे, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं. तो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे क्या क्या रूल्स हैं, क्या हो रहा है, बट द एक्सपीरियंस इट सेल्फ हैज़ बिन फैबुलस फॉर द रीज़न कि इट्स लाइक कैसे कोयले से डायमंड बनता है. तो अभी घिसाई पिटाई हो रही है मेरी अच्छे से, लेट्स सी कहाँ तक मैं खींचता हूँ उसको, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये ज़रूरी है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाई फाइव और इंस्टेड ऑफ विनिंग द शो, दैट्स डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ कोर्स ऑलवेज देयर, बट इंस्टेड ऑफ विनिंग द शो मेजरली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ टू बी एक्नॉलेज्ड एज अ डांसर. तो मैंने एज अ होस्ट किया है, एज एन एक्टर किया है, फिल्म की हैं, वेब सीरीज़ की हैं, टी वी शोज़ किए हैं, और कुछ एक शो प्रोड्यूस भी किया है. सो डन ऑल ऑफ इट, आई वॉन्ट टू ट्राई डूइंग बींग ए डांसर एज वेल, ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम में ये भी डाल सकूँ एक्टर परफॉर्मर एंड डांसर. तो वो एक एक्नॉलेजमेंट अगर मुझे शो से मिल सके, आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड सो फार आई बीन रियली थैंकफुल टू स्टार एंड वेरी थैंकफुल टू बानी जे. इट्स यू नो इट्स ऑलवेज अ न्यू एक्सपीरियंस इन द स्टार्ट, गेट योर स्पेस राइट सही जगह पे, एंड देन यू जस्ट लव द जर्नी. आई लव पीपल ऑल देम नाउ, व्हेन यू नो ईच अदर नाउ, यू नो द ईच अदर्स एलिमेंट कैसे हैं, लोग क्या है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स फन. मुश्किल ये भी है कि एक्स के साथ डांस कर रहा है, और आसानी ये भी है कि एक्स के साथ डांस कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर रहा. तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक ही में है. सी एवरीबडी हैज फ्लॉज, एवरीबडी हैज गॉट द गुड पॉइंट्स. अब ये बात है कि हमने कभी डांस किया नहीं था साथ में, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे को जानते हैं बींग एन एक्स, सो इट्स ईजियर टू नो द इक्वेशन की क्या है. बट येस इन द स्टार्ट ये भी होता है कि भाई ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये तेरी, और मैं सोचता हूँ मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं हुआ, मैं नहीं चुनूंगा. तो वो भी एक है. सो बट एट द एंड वी आर समवेयर, वी कम टू अ पॉइंट कि
ठीक है यार, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। जहाँ दो चार बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ें आती हैं, तो हमारी आवाज़ें बहुत अभी आएंगी अगले आने वाले हफ्तों में, बहुत आवाज़ें आने वाली है। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड जर्नी, आई एम होपिंग। वेल लास्टली ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखो सर, मैं यहाँ पर पहली बार एक रियलिटी शो कर रहा हूँ और मुझे पता है टेलीविज़न पे मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। अब बहुत सालों के बाद एक टेलीविज़न के ऊपर फिर से मैं आ रहा हूँ और रियलिटी शो में आ रहा हूँ, स्टार प्लस पे आ रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उर्वशी को स्टार प्लस के ही सा परिवार अवार्ड्स में मिला था। सो स्टार हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टारी फीलिंग टू मी। सो आई थिंक दिस जर्नी शुड डू वेल एंड गो वेल, विच इज़ कैन ओनली बी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है और लोगों को मुझे प्यार दिखाना है टाइप करके। और उरुज हमारा हैशटैग है जिसमें आपको टाइप करना है, तो वो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कभी इससे पहले किसी से सपोर्ट मांगा ही नहीं है, मैंने कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसा मैंने शो नहीं किया, बट इस बार मांग रहा हूँ। लेट्स सी, फॉर द फर्स्ट टाइम इफ आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम पीपल टू शो मी दैट लव। सो आई लव यू गाइस, थैंक यू। Wait.